हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया उसमें हम बातें करेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या हम कॉमर्शियली इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज और लाइव सेशन उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, जैसे मैं आपको बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे इसके नाम से पता चलता है, इसके जो सोर्स कोड होते हैं वो ओपन होते हैं। पर यहाँ ओपन का मतलब ये है कि इसके लाइसेंस या जो कॉपीराइट जिनके पास है उनके परमिशंस लेके हम इनके सोर्स कोड को व्यू कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इवन इसको जो है आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अपने तरफ से। तो ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की खासियत होती है। खास करके जो इस तरह के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये कुछ कम्युनिटीज या कोलैबोरेटिव वर्क के थ्रू बनाए जाते हैं, ये कोई एक सिंगल पर्सन का नहीं होता है ज्यादातर, हालांकि ऐसे हो भी सकते हैं। तो इसे उस वो कम्युनिटी क्या करती है, इसे डेवलप करती है, सोसाइटी को ये जो है प्रोवाइड करती है कि इसमें आप फ्रीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फ्रीली आप यूज कर सकते हैं, चाहे स्टडी के पर्पस के लिए, रिसर्च के पर्पस के लिए करें, चाहे आप कॉमर्शियली ही क्यों ना इसको यूज करें। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की खासियत है। अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी अगर दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज्यादा सिक्योर होता है, इसकी कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू पेड सॉफ्टवेयर। पेड सॉफ्टवेयर में कई चीज आपको जो है वो क्लोज्ड होते हैं, कई फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, जैसा जैसा आप पे करते हैं वैसे वैसे आपको फीचर्स मिलता है। पर ओपन सॉफ्टवेयर जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके लिए पूरा कंप्लीट पैकेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की खासियत है। बहुत लोगों में ये जो अंदर से धारणा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हम कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आप स्टार्टअप है और आप नया अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं या आप नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी खोलना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, जहां पर बिना कोई चार्ज के जो है आप जो है आराम से जो है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंपनी आप ओपन कर सकते हैं या आप अपने स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सपोज डेट आप अपनी ऐप बनाना चाहते हैं, कुछ वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो भी आप जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं से भी कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको ओपनली आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बहुत पॉपुलर है, तो मैं अगर बात करूं तो आप देखेंगे आज के डेट में जितने भी पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं या सॉफ्टवेयर है, वो सारे ओपन सोर्स आप का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। जैसे मैं बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग, रूबी, एंड्रॉयड, अगर ये सब आप देखें तो ये सारे ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लिनक्स, ग्नू, ये सारे ओपन सोर्स आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इवन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह के जो तो आप देखें तो ये सब काफी पॉपुलर, जैसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे पाइथन काफी पॉपुलर है और ये फुल्ली ओपन सोर्स है। किसी भी चीज के लिए आपको कहीं भी किसी तरह का कोई पे नहीं करना है। आप पाइथन में वेब डेवलपमेंट करें, चाहे डेटा साइंस पे काम करें, चाहे मशीन लर्निंग पे काम करें, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं और वो फ्री अवेलेबल है क्योंकि इसके लिए इतनी बड़ी कम्युनिटी काम करती है और लोग आपको इस तरह के फैसिलिटी देते हैं। हाँ, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो उस टूल्स में अगर आपको पाइथन में काम करना है तो आपको कुछ पे करना पड़ सकता है, पर वो टूल्स हैं, आप उन बिना टूल्स के भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ओपन सोर्स हैं। तो आप बिल्कुल ये दिमाग से हटा दीजिए कि अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो आप कॉमर्शियल नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कॉमर्शियल कर सकते हैं, आप जो है स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियल के लिए यूज कर सकते हैं और आपको कहीं भी कुछ पे नहीं करना है। और 2008 के एक रिसर्च में ये पाया गया था कि केवल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से 2008 तक जो है 60 बिलियन डॉलर का बेनिफिट हुआ था कंज्यूमर्स को, मतलब कस्टमर्स को जो बेनिफिट हुआ था केवल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू
$60 बिलियन। अगर आज हम बात करें 2018 की, तो हमको लगता है कि ये 100 पार कर गया होगा, $100 बिलियन पार कर गए होंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, जो कस्टमर्स को बेनिफिट हुआ है। अब आप सोच रहे हो ये बेनिफिट हुआ कैसे। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर किसी से डेवलप कराते हैं, तो क्या होता है कि अगर आप ऐसे पेड सॉफ्टवेयर, आप .NET या फिर आप जावा, हालांकि जावा का भी कुछ पार्ट जो है वो पेड है, कुछ पार्ट ही ओपन सोर्स है, तो इस तरह के लैंग्वेजेस से जब आप डेवलपमेंट करवाते हैं, तो क्या होता है कि आपको जो डेवलपमेंट करने वाला है वो आपसे डेवलपमेंट करने का तो चार्ज लेता है, और वो उसका जो सॉफ्टवेयर जो आपको डेवलप करके देता है वो महंगा होता है, वो कॉस्टली होता है, क्योंकि उसे जो है आपको प्रोडक्ट बनाने में जो खर्च तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसे उसने जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है उस सॉफ्टवेयर के लिए या उस लैंग्वेज के लिए, उसके भी चार्ज आपसे कहीं ना कहीं किया जाता है। तो ये कहीं ना क्लाउड में अगर आप देखें, तो आज के डेट में क्लाउड में अगर आप जो है कोई भी आप ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगने हैं, तो ये बेनिफिट होता है। तो इस तरह से कस्टमर्स को जब उन्हें लैंग्वेजेज या जो कोई फ्रेमवर्क है, अगर उसके पैसे नहीं देने पड़ रहे कंपनी को, तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर के जो कॉस्ट है उसमें कहीं ना कहीं वो माइनस हो रहा है, और कस्टमर को कम पे करना पड़ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारा चीज मैं ओपन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता था। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन सोर्स क्या है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा जो है सजेस्ट करता हूं कि आप ओपन सोर्स सीख, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम करें, ओपन सोर्स टूल्स पे काम करें, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करें, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करें, ताकि और सबसे पहले इनके सबसे अच्छी चीज है इन पे काम करने के, जब आप इस पे काम करेंगे तो इसके फ्यूचर भी है, क्योंकि फ्यूचर अब ओपन सोर्स का ही है। अब जो है पेड सॉफ्टवेयरों का फ्यूचर नहीं है, अब जो फ्यूचर है वो ओपन सोर्स का है। अगर आप ओपन सोर्स में माहिर हैं, अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको अच्छा काम करने आता है, या आप ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तो आप चाहे अपना स्टार्टअप करना हो, चाहे आप कहीं जॉब में जा रहे हैं, तो वहां काफी जो है डिमांड है। जैसे अगर हम आज बात करें तो पाइथन की काफी डिमांड है, खास करके डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग, इन दो चार कुछ IoT, ये सब जो कुछ फील्ड है इसमें काफी डिमांड है, और कहीं ना कहीं आप इस तरह के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके आप आराम से सीखा। इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट ये है कि आपको फुल सॉफ्टवेयर मिलता है, आपको फुल पैकेज मिलता है, आपको कंप्लीट जो है पैकेज मिलता है, कोई भी फीचर्स उसमें जो है डिजेबल नहीं होते, सारे फीचर्स मिलते हैं, और आप जो है हर तरह के डेवलपमेंट आप उसमें कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी भी अगर ओपन सोर्स में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।